मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म जाति किया बताएं जरा। जाति ये करते हैं, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है वीडियो। अभी नया स्टोरी लाया साल। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं आई कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है। कुछ नहीं, हमारी देखो हमारे पास हर चीजें बंद हो रही है, जितनी कंपनी बड़ी है सारी R2Z बंद हो चुकी हुई है। आपको नहीं लगता जैसे हमारे हालात है इसी तरह के सेम इंडिया के आज तक हम सुनते आ रहे? 100% ऐसे हालात नहीं है, उनके बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है या मुल्क के वो हालात कर दिए कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, यकीन माने जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की फौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे और अब यकीन माने हमारे दिल में क्या, हम बता नहीं सकते। वो हमें ये ना रात को मैं घर ना पहुँचूँ। अगर पाकिस्तान ठीक चल रहा है फिर IMF की मिंदे तरले क्यों कर रहे हैं हमें? हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क तो। मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो? हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नजर में हमारी वैल्यू कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खामने फिरते हैं ये, मतलब अब शर्म आती है मुझे, यकीन माने। मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं। यार हम इसलिए अमेरिका के खिलाफ नहीं है कि वो बहुत जिद्दत में जा रहे हैं और हम पीछे पीछे, हमारे रहने की वजह ये है कि हमारी जब उसकी नज़र पे जेब पे नज़र रहती है तो फिर हमारी कामयाबी नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों की जो हालत बनी हुई है वह इनके खुद की कर्मों और गंदी सोचों का नतीजा है जो ये बर्बाद हुए हैं। और अब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो पहले से पाकिस्तान में कंपनियां थी वो अपने कारोबार समेट कर वहां से बंद करके निकल चुके हैं। और इनको पहले से सिखाया जाता था कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार होता है, लेकिन जब इनको सच्चाई का पता चला तब जाकर इनको समझ में आ चुका है भारत तो आगे निकल चुका है। असल में तो इनको मौलवियों ने इनको गलत बातें सिखाई थी, लेकिन अब यही लोग बोल रहे हैं कि असल में तो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ के लोग कहने लगे हैं कि अब ये मुल्क टूटने के कगार पर आ चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई को मानते ही नहीं हैं, बल्कि ये मानते हैं कि पाकिस्तान सुपर पावर है और कंडीशन में भी ठीक है। लेकिन इन गधों को यही नहीं पता है कि ये लोग IMF से कितने भीख लिए हुए हैं। और इन लोगों को देखते हुए मोदी जी भी यही कहते हैं कि इन लोगों के साथ कोई लड़ाई या कोई बातचीत करनी ही नहीं है, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी वह खुद आपस में ही लड़ मरेंगे। लेकिन कुछ समझदार लोग भी हैं जिन्हें अब यह एहसास हो गया है कि हम लोग बाकी दुनिया से पीछे हैं। खैर चलिए देखते हैं कि अब ये लोग क्या कुछ सोचते हैं। वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन हमें आगे देखने को मिले। लेकिन मैं आपको आने वाले टाइम के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। बलोचिस्तान की PM है, PM ऑफ एग्जाइल से कहते हैं सर, वो अभी गई हुई इंडिया, इंडिया जाकर इंडिया से अपील कर रही है कि आप UN के अंदर जाकर आवाज़ उठाएं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। बलूचिस्तान को पाकिस्तान उसके हकूक नहीं दे रहा। सिंध के अंदर सिंधु देश बनने के लोग तहरीक चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर आज़ादी चाहते हैं लोग। कहाँ जाएगा पाकिस्तान, के क्या हालात होंगे अगर बांग्लादेश जिस तरह से अलग हुए? क्या पाकिस्तान के इस तरह से टुकड़े तो नहीं होते नजर आ रहे? इन्होंने मुल्क को इतना वो मतलब जुल्म किया है या मुल्क के वो हालात कर दिए कि टुकड़े होने की बात ही कर रहे हैं। ये जो टुकड़े होने की बात कर रही है, यकीन माने जो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की फौज है, हम इससे इतनी मोहब्बत करते थे और अब यकीन माने हमारे दिल में क्या, हम बता नहीं सकते। वो हमें ये ना रात को मैं घर ना पहुँचूँ। छोटे छोटे तबके का आप बात कर रहे हैं कि वो जो बलोचिस्तान जो ये हालात क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से हो रहे हैं। ये जो हमारे जो करता धरता है वो क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? ये अलहदा करने वाली बातें हैं, टुकड़े करने वाली बातें हैं। सर आज इंडिया हम पर हंस रहा होगा, बांग्लादेश खुश हो रहा होगा। नहीं तो हंसते हैं ना, वो तो हंसते हैं। कौन, मोदी ने क्या कहा आपको कि पाकिस्तान को छोड़ो? हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खामने फिरते हैं। ये मतलब अब शर्म आती है मुझे, यकीन माने। मतलब ये हमारी बीबी वो आती थी, वो कहती कि इससे बड़ी बेगैरती क्या है कि हम अपनी औरतों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़ों पे जुल्म कर रहे हैं। यार तो ये पाकिस्तान में कौन सी जंग हो रही है भाई? ये जो औरतों को पढ़ के ले जा रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, क्या जुल्म किया वो उन्होंने? हम मंदियाँ देख नहीं रहे। और सच्ची बात है, मुझे कौम पे अफसोस है, कौम पे अफसोस है कि इतना कुछ देख के भी फिर भी मतलब आंखें बंद करके फिर रही। यार बड़ी दुख की बात, हिंदुस्तान कह रहा है कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो मुसलमान है मुसलमानों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो क्या है? अब ये मुझे तो हंसी आ रही है इस पर, हमें मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम कहते हैं इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जो जुल्म इधर हुआ है वो तो चलो हिंदू है ना,
गैर मुस्लिम है, अल्लाह को मानते ही नहीं है, कुरान को नहीं मानते हैं, नबी को नहीं मानते हैं, वो तो हम पे जुल्म करेंगे। और हम जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? अभी आज आप जिसे जिसे आप काफिर कह रहे हैं वो आज देखेंगे कितनी ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं सर, इंडिया को दुनिया पूज रही है। मुझे अब शर्म आती है, वो मतलब 500-600 अरब डॉलर सासे हैं, सोचा आपने उनकी फौज कहाँ है, उनकी आईटी कहाँ है, वो उनकी कौम उनका वो देखे तो सही, हम कहाँ हैं? और ये जो है ना छलांगे में आ रहे हैं जी, हमने डिफॉल्ट होने से बचा दिया, हमने तो 30 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, ये दूसरे मुल्क से मांग के तो कह रहे हैं डिफॉल्ट होने से बचा लिया, तो 30 सालों में तुमने डिफॉल्ट किया ना, हमने तो कुछ नहीं खाया, हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, हमारे बच्चों की फीस इलाज नहीं पूरा होता, अस्पताल में जाए तो वो अब आपको पता ही है, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, असल में वो पैसे देके हमारा जमीन खरीदता है, उसने देख लिया कि हम लोग पैसे के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ तक बेच सकते हैं, आप बताएं इस किस्म के अलकाबात हमारे लिए है? इसके बाद तो डूम भरना ही चाहिए हमको। ये जो सारे पाकिस्तान डूम भरे सारे, हम आप क्या कह रहे थे? ठीक है सर, आपको मैं अर्ज कर रहा था कि देखें वो हमारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद वो हमारी ज़मीर ख़रीदता है। देखें हम इसलिए अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है कि वो बहुत जिद्दत में जा रहे हैं और हम पीछे पीछे, हमारे रहने की वजह ये है कि हमारी जब उसकी नज़र पर जेब पर नज़र रहती है तो फिर हमारी कामयाबी नामुमकिन है। क्या वजह है हमेशा से चाइना का नाम सुनते आए हैं, अभी आपने बताया इंडिया, इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, 100% हो सकता है। कैसे? उनके डिमांड देखे, हमारी देखे, हमारे में हर चीजें बंद हो रही है, जितनी कंपनी बड़ी है सारी ऑल टू दैट बंद हो चुकी हुई है। आपको नहीं लगता जैसे हमारे हालात इसी तरह के सेम इंडिया के आज तक हम सुनते आ रहे हैं? 100% ऐसे हालात नहीं है वहाँ, उनके बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है, जलवा है हमारा। सर मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया जाते हैं तो वापसी के लिए फिर आप मुझे ये बताएं कि आप वहीं सेटल होना चाहते हैं? मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा, बाइक तो अच्छी कम से कम मिलेंगी चलाने के लिए, पाकिस्तान में क्या टूटी फूटी बाइक लो, अगर मतलब कम से कम चाइना के भी लोगों भी 4 लाख की थी, 2-3 लाख की कम से कम, अब इस टाइम 1.5 लाख की तो पक्की है, जो 1-5 है वो तकरीबन 3 लाख की हो गई, अब बंदा करे क्या करे, 2 लाख की बाइक दे रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइक में पहले नंबर पे आ चुका है इंडिया, और अगर 4 व्हील की बात करें तो दुनिया के 3rd नंबर पे आ चुका है। यार अब कसम इंडिया ही चले, मैं तो कहता हूँ इधर तो कुछ नहीं है, वैसे उधर ही मुसलमान है ज्यादा है हिंदुओं से, उधर चलते हैं, उधर जाकर रहते हैं, पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, बस हवा निकल गई, पाकिस्तान में कोई ये और ही बढ़ेगी कीमतें। लास्ट पे देखने वाली ऑडियंस को मैसेज देना चाहे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा भाईजान, बाइकें जो है ना वो इंडिया से इंपोर्ट करवाओ, वो सस्ती बाइकें आ रही है, तो पाकिस्तान की जो बाइकें उनको बेच दो, इंडिया चले जाओ। पाकिस्तान भी ठीक चल रहा है, भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। फिर आईएमएफ से लोन भी ले रहे हैं, वो तो लगा हुआ है ना, नहीं, अगर पाकिस्तान ठीक चल रहा है फिर आईएमएफ की मिंदे तरले क्यों कर रहे हैं हमें, क्या हमारी की आदत है, क्या आदत है? हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क तो, क्यों जी? हमने गरीब बन के छूटना है हर मुल्क से, अपने कर्जे माफ करवाने, ये हमारी चाल है इनके मुताबिक, आप क्या कहेंगे? आपको ही माफी लेनी हर मुल्क तो, क्यों ना लेंगे?